जय श्री राधे। आइए हम थोड़ा बांसुरी के बारे कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बांसुरी दिखाई दे रहा है ये डी बेस का बांसुरी है। सो डी बेस बांसुरी, डी शार्प बेस बांसुरी, सी सी शार्प बेस, न कि साफ जितना बांसुरी है 12 स्केल का हम बनाते हैं, बजाते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो आइए, अगर बांसुरी आपको लेना है, बांसुरी कैसे चेक करेंगे परफेक्ट ट्यून है कि नहीं? तो मैं खुद बनाता हूँ, मायापुर नवदीप नदिया वेस्ट बंगाल इसी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। खास करके इस्कॉन आप जानते हैं, इस्कॉन में रहता हूँ और मायापुर। तो आइए, तो किसको बांसुरी लेना है, सीखना है, तो ज़रूर संपर्क करें। और बांसुरी आप बिगिनर कैसे आप बांसुरी पहचान सकते हैं? बहुत सारे बांसुरी बैलेंस के ऊपर होता है, ठोटों के ऊपर। किसी का बैलेंस ऐसा है, किसी का भी ऐसा है। तो जब तक बांसुरी हमारे ठोटों के ऊपर सेटिंग नहीं होते हैं, तब तक वो बांसुरी स्केल भी रहते हुए भी स्केल परफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हर प्रकार का जो आदमी अलग अलग शरीर का टेम्परेचर है, हवा लेने का हवा छोड़ने का अलग अलग टेम्परेचर है, तो उसी हिसाब से बांसुरी तैयार किया जाते हैं, फिर उसको दिया जाते हैं। तो आइए, हमारे पास जो बांसुरी है डी बेस बांसुरी है, और जो फिंगर बोर्ड है, फिंगर बोर्ड देखिए इतना नज़दीक है, फिंगर बोर्ड जो दूसरे दूसरे बांसुरी वाला जो डी बेस का बांसुरी है इतना इजी नहीं है फिंगर, हमारा जो फिंगर है बहुत कंफर्टेबल है, इजी है। तो अंदाज़ा लगा सकता है तो डी बांसुरी कितना बड़ा होता है। कोशिश करता हूँ, इससे बड़ा बांसुरी भी मेरे पास है, बेस का बी बांसुरी, बी बेस का, कोशिश करूंगा वो भी बजाने के लिए। तो जिसको लेना है बड़ा से छोटा बांसुरी हमारे पास है, ले सकता है। तो मैं अभी डी बेस का बांसुरी स्केल थोड़ा आपको बता रहा हूँ, कैसे कैसे स्केल होता है। तीन सा होता है, तीन नी होता है, तीन धा होता है, तीन पा होता है, तीन रे भी होता है। आइए मैं बजाता हूँ, आप सुन लीजिए। इसी प्रकार बांसुरी लेना है तो आप चेक करके लीजिए, जो परफेक्ट ट्यून बांसुरी 440 में है वो इसे बजेंगे। तो इसके साथ हमारे जो एक ट्यूनर मशीन है 440 में, वो ट्यूनर के साथ मैचिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। दीजिए भैया ट्यूनर बजाइए। ये है सा,
तीन सा, देखिए कैसे बजाया जाता है। सानी धा पा, देखिए सानी धा पा, फिर देखिए ये मध्यम का, फिर नीचे का, जो परफेक्ट बांसुरी होगा, फ्लूट होगा, बैंबू फ्लूट, तीनों स्केल बराबर रहेगा। तो इसलिए आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। तो इसी प्रकार बांसुरी परफेक्ट स्केल में हो तो आप ले सकते हैं, जैसा ये है रे, तीन रे है, तारा उदारा उदारा, जैसा तारा है हाई पिच रे, कर रे सानी धा पा, समझ आ गया। तो ई बेस का बांसुरी है, हमारे पास जितना बांसुरी है सब परफेक्ट स्केल का है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अभी थोड़ा कुछ बजा रहा हूं, सुनिए मेलोडी। Thank you.